गुरु जी, आज आपने पितरों के खास दिन के बारे में बताया। ऐसे ही गुरु जी कुल देवता के खास दिन के बारे में भी बताइए। देखो, कुल देवी देवता के हर जिनके यहाँ जो कुल देवी देवता हैं उनके लिए एक विशेष दिन होता है वर्ष में। वर्ष में एक विशेष दिन होता है जिस दिन कुल देवी देवता का पूजन होता है। और लगभग जिनके यहाँ होता है उनको मालूम है कि किस दिन होता है। किसी के संतान सप्तमी के दिन होता है तो किसी के किस दिन होता है, किसी के किस दिन होता है। वो जो दर्शन है वो उनके पूजन के बारे में बताया गया है, इसको समझें। लेकिन कुल देवी देवता के पूजन में कुछ बातें बड़ी खास हैं जो मनुष्य को हमेशा याद रखनी चाहिए और ये गलती किसी से ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुल देवी देवता के बारे तो क्या है, कायदे से जिस जैसे आपके घर में कुल देवी देवता का पूजन हो रहा है तो इस पूजन में एक बात बहुत जो खास है वो ये है कि इसमें जो कुंवारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। उन्हें शामिल क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी पूजन होगा जोत जलेगी, जोत, और वो जोत के रूप में आपके कुल देवी देवता पूजे जा रहे हैं या जो आपके यहां दर्शन हो, लेकिन जोत जो जलती ही है। और ना उसका प्रसाद बेटियों को दिया जाता जो कुंवारी हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये प्रसाद और पूजा देखती हैं तो दोष लगता है, क्योंकि वो उनके कुल की है ही नहीं। उनका कुल तो बदलेगा भाई, उनका जहां विवाह होगा वो उनका कुल होगा। तो ऐसी दृष्टि में सामान्य तौर से कुंवारी बच्चियों को कुल देवी देवता की पूजा अपने घर में नहीं देखनी चाहिए, इससे दोष लगता है। एक दोष ये, और दूसरा दोष ये है कि आज वो जहां पूजा देख रही है कल को उनके यहाँ के कुल देवी देवता दूसरे होंगे तो अपराध लगेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद ऋषा।